अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको आलू वाले नान बनाना सिखाएंगे। इनके लिए ये चीज़ें चाहिए: आधा किलो आलू, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, धनिया कटा हुआ, 4 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, और एक एक चम्मच टेबलस्पून जो नमक, मिर्च, ज़ीरा, कुटी मिर्च और साबुत धनिया, और 3 कप मैदे के, 1 टीस्पून ईस्ट, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और यीस्ट, और 2.5 चम्मच योगर्ट, 1/4 कप पानी का, नीम गर्म पानी, 2 से 2.5 चम्मच ऑयल, और ये सब कुछ आप मैदे में डाल लेंगे और इसी में चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। जब सारा मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको इसमें योगर्ट डाल दें और ये पानी से आपने इसको गूंद लेना है। इसकी डो तैयार करनी है, ये देखें, हाथ से अच्छी तरह कर लें, पहले चम्मच से मिक्स करके फिर पानी डाल के हाथ से, ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसको गूंदते रहें, जैसे ये देखें आपके सामने मैं गूंद रही हूँ, और जब ये तैयार हो जाएगा तकरीबन ये बर्तन छोड़ देगा। अभी ये देखें बर्तन के साथ चिपका हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, मैं गूंद रही हूँ। इसमें ऑयल डाल दिया मैंने, अब 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद भी आप थोड़ी देर इसको गूंदें, और देखें ऐसा ऐसा हाथों से और बर्तन से अलग होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये डो तैयार हो गई है, आलू वाले नान की डो तैयार हो गई है। इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रख दें, ढक कर रख दें, किसी गर्म जगह पे रखें, गर्म जगह पे 3 घंटे के लिए रख दें। अब ये आलू मैंने एक बाउल में डाले हैं, इसमें कटी हुई प्याज डाली है, धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और ये जो मसाले थे जो मैंने आपको बताए हैं, 1-1 स्पून ये आप अच्छी तरह धनिया क्रश करके ये भी इसमें डाल लें। अब इनको हाथों से मैश कर लें, आप चाहें तो ग्लव पहन सकती हूँ क्योंकि ये मिर्च डाली हुई है, आप ग्लव पहन के इनको अच्छी तरह मैलोमेट करके ये देखें प्लेट में निकाल लिए हैं मैंने। ये मिक्स हो गया सारा मसाला आलुओं में। अब आप ये देखें मैदा काफ़ी हवा आ चुकी है इसमें, अब आप हाथ से इसको यहाँ रख के देखें, थोड़े से आटे में अच्छी तरह मसल लें, और आप जिस साइज़ के पेड़े बनाना चाहें उस साइज़ के 5-4, मैंने 5 बनाए हैं, आप जितने चाहें इसके 4-5-6 बना सकते हैं। अब ये पेड़े बनाएंगे अच्छी तरह से इसके, आप पेड़ा अच्छी तरह से गोल बनाएं, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से ऐसे हाथों से गोल पेड़े बना लें। ये देखें पेड़े तैयार हो गए हैं, अब इनकी छोटी सी रोटी बेलें, इसके बाद एक गोल पेड़ा आलू का लें और इसको इस तरह से इसकी फिलिंग कर दें, इसकी फिलिंग करके रखते जाएं। अब इसको देखें हाथों से सही करके, क्योंकि ये खुलने ना पाए, अब इसको अच्छी तरह हाथ से नरम नरम हाथों से इसको ना ऐसे बेल लेना है। ये फोक से निशान लगा लें, और निशान लगाने से पहले अपने ओवन को 250 पर आधा घंटे के लिए प्री हीट कर लें, और ट्रे में चारों नान रख कर ओवन में रख दें बेक करने के लिए, और इनको बेक करने के लिए 200 पर बेक करें, और नान तैयार होने से निकालने वक्त आप इनको ऑयल लगा लें। ये देखें नान को ऑयल लगा दिया, नान तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे नान बने हैं। अभी इनको खा के आपको बताते हैं कैसे बने हैं। ये देखें, अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़र होंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।